हेलो बच्चों, री की मात्रा ये ऊपर का हमने और नीचे का भी कल हमने पढ़ा था, तो आज हम फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। चलिए दोहराते हैं। का प्लस री की मात्रा क्री, पा प्लस री की मात्रा प्री, वा प्लस री की मात्रा व्री, मा प्लस री की मात्रा मृ, गा प्लस री की मात्रा ग्री, ना प्लस री की मात्रा नृ। बच्चों ऐसे ही मैंने क्लासवर्क में भी लिखवाया है, चलिए क्लासवर्क देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्लासवर्क है री की मात्रा का योग। इसमें बच्चों मैंने शब्द नहीं लिखवाया, सिर्फ इस री की मात्रा का योग करवाया है। शब्द तो आपको पता ही होता, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों की जोड़ को शब्द कहते हैं। वर्णों की जोड़ को इसमें जब दो या दो से अधिक रहते हैं, तो यहाँ पर ना दो है और ना दो से अधिक है, इन सबको क्या बोलते हैं? अक्षर ही बोलते हैं, वर्ड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करवाया है? री की मात्रा का योग करवाया है। चलिए देख लेते हैं, जो अभी हमने बुक में पढ़ा था वही हमने यहाँ पर लिखवाया भी है। देखते हैं, पहला है का प्लस री की मात्रा क्री, गा प्लस री की मात्रा ग्री, ना प्लस री की मात्रा नृ, वा प्लस री की मात्रा व्री, मा प्लस री की मात्रा मृ, पा प्लस री की मात्रा प्री। ये बच्चों आपका क्लास वर्क है। थोड़ा सा आज हम बुक पढ़ेंगे, चलिए बुक पढ़ते हैं। ये देखिए, पीछे मैंने ये सब पूरा पढ़ लिया था, अब पेज पलटेंगे। ये देखिए टर, यहाँ पर आ गया री की मात्रा वाले शब्द, ये शब्द आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से सब हम सिर्फ हम ये एक लाइन पढ़ेंगे, ओके। चलिए पढ़ते हैं, री ड, क्या हो गया? ऋण। ता मेरी की मात्रा त्रि, ड खाली त्रिड, मा मेरी की मात्रा मी, सॉरी मा मेरी की मात्रा मृ, त खाली मृत, घा मेरी की मात्रा गृ, त खाली घृत, गा मेरी की मात्रा गृ, ह खाली गृह, वा मेरी की मात्रा वृ, छ खाली वृक्ष, दा मेरी की मात्रा दृ, ग खाली दृघ। ऐसे बच्चों आपको भी पढ़ना है, जैसे मैंने भी पढ़ा है, ऐसे ही सब। अगर आपको एक ही लाइन समझ में आता तो आप एक ही लाइन पढ़िए, बट इसको आप पढ़िए। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी क्या होगा, अच्छे से पढ़ना आएगा, आप उसको लिख भी पाएंगे। अब आपको दिखाते हैं हम आपका होमवर्क। बच्चों ये आपका होमवर्क है, री की मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। री की मात्रा वाले 10 शब्द लिखना है, जैसे मैंने अभी आपको बुक में पढ़ाया था बच्चों, वैसे ही आपको अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इसके अलावा अगर कोई और शब्द आते हैं जिसमें री की मात्रा हो, आप उसको भी लिख सकते हैं, ओके बच्चों। थैंक यू।